हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं 2.2। इसके पीछे वाली क्लास में 2.1 मैंने ख़त्म कर लिया। हालांकि ये 2025 के बच्चों के लिए सेशन चल रहा है, तो बच्चे अपने बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने सेशन की, यानी 2.2। 2.2 में सवाल लिखा है कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और सत्यता की ज्ञात जांच करना है। द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, तो मैं कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ये द्विघात बहुपद है और ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हमको समीकरण नहीं दिया है, हमको द्विघात बहुपद दिया है। उसी को हम लोग क्या, उसमें से हम लोग शून्यांक निकल रहे हैं, यानी शून्यांक का मतलब होता है एक्स के मान। शून्यांक का मतलब होता क्या, एक्स के मान। एक या शून्यांक कहिए या मूल कहिए या अल्फा बीटा कहिए, सब बात एक ही है, ठीक है। तो शून्यांक निकालिए, मूल निकालिए और अल्फा बीटा हो, सब बात एक ही, यानी जो एक्स के मान आप निकालते हैं उसी को हम मूल बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं और अल्फा बीटा बोलते हैं। तो इसमें से हम लोग को एक्स का मान निकालना रहेगा। हालांकि चलिए एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस सवाल का भी स्किप करके थोड़ा सा हम एक मिनट के लिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान ली देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये सवाल है। इस सवाल को हमको क्या करना है, शून्यांक निकालना है और इसके सत्यता की जाँच करना है, एक बार डायरेक्ट और एक बार लगा करके। मैं लगाता हूँ सवाल को, समझिए। मैं ले दूंगा, सबसे पहले इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पीछे वाले का आगे में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणनखंड विधि से। हालांकि विधि तो बहुत हैं, पीछे का आगे गुणा कर देंगे। पीछे का जब आगे गुणा करेंगे तो याद आएगा 6x स्क्वायर, दिमाग में रख लेंगे, दिमाग नहीं है तो बगल में रख लेंगे, ठीक है। अब इस 6x स्क्वायर को आपको तोड़ना है, 6 इसको जब आप तोड़ेंगे तो याद आएगा 3 दुना के 6, यानी 3 और 2 मिल रहे हैं। अब मतलब क्या इसका है, मतलब क्या इसका है कि आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, कुछ भी लीजिए, 2x माइनस 3x प्लस 6। अब ध्यान से समझिएगा, ये 3 और 2 जब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। माइनस 2 और माइनस 3 जब जुटेगा तो कितना जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। इसका मतलब गुणा करने पर ये वाला आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये वाला आता है। यहाँ पे जोड़ने पर यह जा रहा है, कभी कभी ऐसा तो घटाने पर ये वाला आता है। तो आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा आपका सिस्टम है। सर आप इसको भी पहले लिख सकते थे, इसको भी पहले लिख सकते, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो जब ये 3 पद से 4 पद हो गया, ठीक है, अब यहाँ से हम इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, कामन। अगर आप कामन देखें, कामन की बात करेंगे तो आपको कामन दिख रहा है ये कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x ले लिए बाहर, बचा क्या। जब एक x चला गया बाहर तो एक x बचा होगा, यस सर, एक x चला गया बाहर तो बचा होगा क्या, माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। जो कामन यहाँ बचेगा वही कामन यहाँ पर भी बचेगा। इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कामन कर लेंगे माइनस 3। जो यहाँ पर रहेगा वही कामन होगा, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। तो 3 जब हो गया कामन मेरा, तो क्या बचा यहाँ पे, 3 चला गया बाहर तो बचा क्या मेरा x, माइनस ये 3 चला गया बचे तो क्या बचा, 2, क्या बचा, 2। अब देखिए ये वाला और ये वाला समान है, ये वाला और ये वाला क्या है, समान है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, आप ये माइनस कहाँ से आया, आप अगर गुणा करिए, माइनस 3 का जब एक्स में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x, माइनस 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 6, और माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो क्या जाएगा प्लस। आप ये जानते होंगे, आप ये सिखाने वाली बात नहीं कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और प्लस माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। सेम चिन्ह रहेंगे तो प्लस, डिफरेंट चिन्ह रहेंगे तो माइनस, ठीक है सर, इतना मुझे समझ में आया। आगे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ से कर लेते हैं बात हम इसकी, जब ये आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो एक समान रहेगा, जैसे ये वाला और ये वाला एक समान, इसको एक ब्रैकेट में ले देंगे, x माइनस 2 जो बच रहा है, यानी x माइनस 3, उसको एक ब्रैकेट में लेंगे,
उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे शून्य शून्य का मान निकालते हैं, यानी कि इसको यक्स माइनस टू बराबर जीरो कर देंगे और इसको यक्स माइनस थ्री बराबर क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ से जब माइनस टू उधर जाएगा तो हो जाएगा यक्स बराबर दो और यहाँ से यक्स बराबर तीन, यानी आपके मूल क्या आ गए, क्या मूल आ गए, क्या मूल आ गए, दो और तीन, दो और तीन। अब यहाँ से आपको योगफल और गुणनफल निकलना है। अगर योगफल मैं निकालूँ यहाँ से योगफल, योगफल तो इसका योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, चाहे मूलों का योगफल लिखिए। योगफल निकालेंगे तो क्या आ रहा है, दो प्लस तीन, दो प्लस तीन बराबर कितना आ गया, पाँच। यानी आपके मूल योगफल कितना आ गया, पाँच। जब गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या, गुणनफल तो गुणनफल क्या आ जाएगा, दो गुणे तीन यानी क्या आ गया, छः। अब मैंने इसको हल करके लगाया है, इसको सत्यता की जांच करना है डायरेक्ट सूत्र से। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, ये तो आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर अगर हम इसकी बात करें, है ना, अगर इसकी हम बात करें तो मान लीजिए ये यहाँ पे है, ठीक है, और एक चीज़ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप अगर यहाँ से तुलना करें तो आपको दिखेगा कि ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, आपको दिखेगा ए बराबर क्या है, एक है, ए बराबर क्या है, एक है, ए बराबर एक है, बी बराबर क्या है, पाँच है, बी बराबर क्या है, पाँच है, और सी बराबर क्या है, छः है, बी बराबर माइनस पाँच है, ठीक है। अगर यहाँ तुलना करें तो ए बराबर एक है, बी बराबर माइनस पाँच है, सी बराबर क्या है, छः है। अब समझिएगा आगे बात, अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कि क्या निकालते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से योगफल निकालते हैं, योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और जो गुणनफल आता है, गुणनफल आता है वो होता है क्या, सी बाई ए, सी बाई ए। माइनस बी बाई मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक बटे अचर पद, बटे अचर पद, यक्स के गुणांक बटे क्या, अचर पद, क्या, अचर पद, अचर पद। और इसका मतलब क्या होता है, गुणनफल में c का मतलब क्या, अचर पद बटे, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक होगा, है ना, ये क्या है, x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक, ये भी लिख देंगे अचर पद बटे, सॉरी हाँ अचर पद बटे x स्क्वायर के गुणांक, ठीक है। मतलब समझिए कि बीच वाला बटे पहला वाला और इसमें लास्ट वाला बटे पहला वाला, बी बाई ए का मतलब क्या, बी बाई ए का मतलब, बी बाई ए का मतलब माइनस बी बाई ए, ये योगफल निकल जाता है, और सी बाई ए का मतलब गुणफल निकल जाता है, सी बाई ए। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यक्स के गुणांक कितना है, माइनस पाँच, माइनस पहले से और माइनस पाँच बाद में लगा दीजिए, बटे यक्स स्क्वायर गुणा कितना है, एक है, यक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, देखिए यक्स स्क्वायर में कितने गुणा, देखिए एक का, तो क्या एक बराबर, अचर पद कितना है, छः है, और यक्स स्क्वायर गुणा कितना है, एक है, तो यानी से माइनस माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस ये पाँच और ये आ गया छः। देखिए ये मेरा क्या आ गया, योगफल आ गया पाँच और गुणनफल आ गया छः, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमने हल करके निकाले हैं, तो तीन योगफल पाँच आया और गुणनफल क्या आया, छः, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं, अपने काम की बात करते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं अपना सवाल। ये देखिए ये रहा है आपका सवाल, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। देखिए पहला सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, पीछे गुणा कर दिए, पीछे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आठ एक्स स्क्वायर,
आठ एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस प्लस दो एक्स माइनस आठ। देखिए कैसे हुआ, आप चार में से दो घटाइए दो आ जाएगा, और चार में दो को गुणा कर दिए आठ हो जाएगा, चार दुना के आठ हो जाएगा। आप जब ये हो गया तो आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन करिए, यहाँ से आप कॉमन करते हैं, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स हो गया कॉमन तो हो जाएगा एक्स माइनस चार। ठीक है, यहाँ पे दो है यहाँ पे भी दो है, कैसे यहाँ पे दो है दिखाएं, दो दिखाइए, इस चार को मैं ले दूंगा दो गुणे चार, तो यहाँ पे भी दो है यहाँ पे भी दो है, तो यहाँ दो कॉमन कर लीजिए, बचा यहाँ पे क्या एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा चार एक्स माइनस चार। आप गुणा कर देख ले, दो का एक्स में गुणा कर दो एक्स हो जाएगा, दो चौके आठ भी हो जाएगा, यानी ये और ये क्या हो गए बराबर हो गए, यानी एक्स माइनस चार और यहाँ से क्या गया एक्स प्लस टू, जो एक समान दिखता है उसको एक ब्रैकेट में, जो बचे उसको एक ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस दो और एक्स माइनस चार। अब यहाँ से सीधे क्या कर सकते हैं, आप सीधे कर सकते हैं यही कि सीधे ये कर सकते हैं कि जीरो को बराबर कर दिए, तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो और एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई चार और एक्स बराबर कितना आ गया माइनस दो। ठीक है, चलिए योगफल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं योगफल, योगफल बराबर क्या आ जाएगा मेरा चार प्लस माइनस दो, यानी आ गया मेरा दो। योगफल में दोनों को जोड़ देंगे, गुणनफल निकाल दीजिए, गुणनफल गुणनफल मेरा क्या आ जाएगा, गुणनफल मेरा आ जाएगा क्या चार गुणे माइनस दो, यानी आ गया माइनस आठ। ये डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं, क्या करते हैं सत्यता की जांच कर लेते हैं, चलिए सत्यता की जांच करते हैं, जांच क्या करेंगे जांच, ये मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ थोड़ा सा आपको समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ सीधे लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा एक, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस दो, और सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस आठ। देख सकते हैं आप सी बराबर माइनस आठ, बी बराबर माइनस दो और ए बराबर एक। योगफल मेरा क्या होता है, योगफल मेरा क्या होता है माइनस बी बाई ए, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, बी बाई ए बीच वाला बटे पहला वाला, सी बाई ए किनारे वाला बटे पहला वाला, तो माइनस की जगह में माइनस लिखूंगा, बी का मान कितना है माइनस दो है, ए का मान कितना है एक है, चलिए गुणनफल में सी का मान कितना है माइनस आठ है और ए का मान कितना है एक है। ठीक है, दो एक कम ये आ गया दो और ये आ गया माइनस आठ, क्या आया है मेरा यस सर दो भी आया है, यहाँ पे भी दो आया है, माइनस आठ आया है यहाँ पे भी माइनस आठ आया है, इसका मतलब मेरा सत्यता की जांच क्या है सही है। ऐसे ही सारे सवाल लगाने हैं, ठीक है ऐसे ही सारे सवाल लगाने हैं कि ऐसे ही सारे सवाल लगा लें आराम से लगा लेंगे। ठीक है, योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, और यहाँ से आप योगफल गुणनफल करके अपन इसको साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, हो गया होगा अगला सवाल चलें, चलिए सर अगला सवाल हम लोग चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है मेरा चार चार एक्स में लिख रहा हूँ एस स्क्वायर है, चार एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस एक, एक का चार में गुणा कर दिए क्या आ जाएगा चार एस स्क्वायर आ जाएगा। आप लिख सकते हैं चार एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन, सर दो दो कितना हो जाएगा चार और दो दुना के चार हो जाएगा, गुणा करने पर ये वाला आ जा रहा है दो दुना के चार एस स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ने पर भी ये वाला आ जा रहा है। ठीक ठीक, तो सर दो दो तीन पद से चार पदों के सीधे सीधे मैं कॉमन करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें भी इस चार को मैं ले दूंगा दो गुणे दो, तो इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी एस है इसमें भी है, तो दो एस मेरा हो गया कॉमन, तो दो एस जब चला कॉमन तो एक एस बच एक दो बचा होगा एक एस ही बचा होगा, एक ही दो गया है एक ही एस गया है माइनस ये पूरा चला गया, दो भी चला गया बाहर एक्स भी चला गया बाहर। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जब कुछ यहाँ पे दो है यहाँ पे दो नहीं यहाँ पे एस है यहाँ पे एस नहीं, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है क्या कॉमन लेते हैं एक, हो गया एक और यही ले देंगे
टू एस माइनस वन, देखिए ये और ये, क्या ये मेरा सही है? गुणा करके देखते हैं, माइनस वन का टू एस में जब गुणा करते हैं माइनस टू एस हो जाएगा, माइनस एक का जब माइनस एक में गुणा करता है प्लस हो जाएगा, एक एक कम एक हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, तो ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में दीजिए, टू एस माइनस वन, और क्या बचा, टू एस माइनस वन, ये भी आएगा टू एस माइनस वन। जब निकालेंगे यहाँ से तो टू एस माइनस वन बराबर क्या आ गया, जीरो, और यहाँ पे भी टू एस माइनस वन बराबर क्या आ गया, जीरो, दोनों को मान एक ही मिलेगा, ठीक है। तो टू एस बराबर क्या आ जाएगा, एक, तो एस बराबर क्या जाएगा, एक बट्टे दो, यहाँ पे भी टू एस बराबर एक, तो एस बराबर एक बट्टे दो, आप समझ रहे होंगे, बोलिए, यानी एक बटे दो यहाँ पे भी और एक बटे दो यहाँ पे, मेरे मान कितना निकल के आ गए, एक बटे दो और एक बटे दो। अब इसका योगफल अगर हम कर निकाल दें, क्या निकाल देते हैं, योगफल निकाल लें, चलिए निकालिए सर योगफल, योगफल मेरा आ जाएगा क्या, योगफल मेरा आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, एक बटे दो और एक बटे दो, एक आ जाएगा, एक बटे दो प्लस एक बटे दो क्या आएगा, एक, अरे भाई आधा आधा जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणनफल निकाल लिए यहाँ से, एक बटे दो गुणे एक बटे दो क्या आ जाएगा, एक, एक बटे चार, एक बटे चार, ठीक है ना, दो का दो का चलेगा। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच, क्या कर लेंगे, जांच, जांच में, जांच में कैसे करेंगे, ये मेरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस वन, जांच कैसे करते हैं, हम लोग लिख देते हैं क्या, ए एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप यहाँ से देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि मेरा आ गया ए बराबर कितना मिलेगा, चार, बी बराबर माइनस चार, सी बराबर एक, तो ए बराबर मेरा क्या है, चार है, बी बराबर कितना है, माइनस चार है, और सी बराबर क्या है, एक है। योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है, योगफल किनारा वाला बटे पहला वाला, यानी कि माइनस बी बाई ए, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, तो माइनस की जगह माइनस रख दीजिए, माइनस की जगह माइनस रखिए, बी का मान कितना है, माइनस चार, तो क्या माइनस चार, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, चार, ठीक है, गुणनफल निकाल लीजिए, सी का मान कितना है, एक, और ए का मान कितना है, चार, जरा देखिएगा, माइनस चार का जब माइनस चार में गुणा दीजिएगा चार, और चार बटे चार कितना गया, ये एक, और एक बटे चार तो एक बटे चार है, ये क्या है मेरा है, ये गुणनफल है, देखिए गुणनफल आया है, और ये क्या है, योगफल, देखिए योगफल आया है, इसका मतलब सत्यता की जांच क्या है, सही है। योगफल कैसे निकालते हैं, माइनस बी वाई है, यानी कि बीच वाला बटे किनारे वाला, गुणनफल कैसे निकालते हैं, किनारे वाला बटे पहला वाला, ये हो गया दूसरा सवाल, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, चलिए चलिए हो गया, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मैं हिंट करके आपको छोड़ दूंगा, ठीक है, अगला सवाल हिंट करके हम छोड़ देंगे, टाइम वेस्ट करने से क्या, कुछ आपको आप भी तो लगाइए, ठीक है, देखिए अगला सवाल लिखा है 6s स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7s, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6s स्क्वायर माइनस 7s माइनस 3, गुणा कर दिए छत्री के 18, इसको मैं लिखूंगा 6s स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, जरा देखिएगा 9x में से 2x घटाएंगे तो 7x आ जाएगा, ये सर, और 9 दुना के 18 भी आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो आप इसको हल कर लेगा, यहाँ से आप कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, 3x कम कर लेंगे, और यहाँ से तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा, दो कमन कर लेंगे, सॉरी एक कमन करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा मेरा आपको 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 बटे 2, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस 1 बटे, x माइनस 1 बटे 3, आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, एक ये आएगा और एक आएगा, फिर आप क्या करेंगे इसको, यहाँ से, यहाँ से माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नहीं आएगा तो, नहीं आएगा तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, 9807757865 है, आप इसको व्हाट्सएप करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं, तो ये तो मेरा हो गया क्या, अगला सवाल है, ये सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल ये 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, सीधे सीधे यहाँ से क्या कर लीजिए, चार कॉमन कर लीजिए, प्लस जीरो कर दीजिए, क्या करना है, चार कॉमन कर लीजिए, तो चार मेरा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, चार कॉमन कर लेते हैं, चार कॉमन कर लेते, चार यू कॉमन करिए ना, चार यू, कि चार यहाँ पे है और यहाँ पे यू है, तो मेरा का कॉमन क्या हो जाएगा, चार यू, ठीक है, यू प्लस दो है ना, क्योंकि चार हो जाएगा,
अब इसको एक ब्रैकेट में देना कि चार यू बराबर जीरो कर दीजिए, सीधे सीधे यहाँ से ऐसे करिए ना, आप ऐसे करिए है ना, चार यू बराबर जीरो और यहाँ से यू प्लस दो बराबर जीरो, तो यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस दो, और यहाँ से चार यू बराबर जीरो तो यू बराबर यहाँ से आ गया जीरो, एगो जीरो आ रहा है एगो माइनस दो आ रहा है, योगफल निकालिए, योगफल निकालिए चार प्लस जीरो, गुणनफल निकालिए चार गुणे जीरो यानी जीरो आ गया, यहाँ से एक ठो ये आ गया एक ठो सॉरी सॉरी है ना, चार प्लस जीरो बारह आ गया चार, ये आ गया चार और एक ठो आ गया जीरो, दो मिल गए मुझे चार और जीरो, थोड़ा सा लगाइए तो ऐसे फिर लिखते हैं फोर यू स्क्वायर प्लस आठ यू प्लस जीरो, मैं लिखूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बराबर मेरा क्या आ गया चार, बी बराबर क्या आ गया आठ और सी बराबर क्या आ गया जीरो, योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, तो माइनस की जगह माइनस, बी का मान कितना है आठ और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है चार, सी का मान कितना है जीरो और ए का मान कितना है चार, तो चार दुना के आठ, माइनस दो आ गया और आ गया जीरो, तो माइनस दो मेरा आया है, माइनस दो आया है, माइनस दो आया है, सॉरी सॉरी यहाँ पे तो गलती हो गई ना, मेरा मान क्या निकला है माइनस दो निकला है ना, यहाँ माइनस दो निकला है, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे है ना ये ऐसे है, ये फल मेरा कितना है माइनस दो है एठो जीरो है, तो ये जगह माइनस दो, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये क्या है माइनस दो है ना, माइनस दो गुड़ जीरो, तो माइनस दो योगफल आ गया गुणनफल आ गया जीरो, ठीक है, इसके साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं, अब आगे क्या चलते हैं मेरा ये देखिएगा ध्यान से, देखने वाली बात ये है ना कि आपको देखने वाली बात ये है कि टी स्क्वायर माइनस पंद्रह ये है क्या है टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, तो टी बराबर क्या आ जाएगा कॉर्ड में पंद्रह प्लस माइनस पंद्रह, कोई भी संख्या जब स्क्वायर से हटाते हैं तो उसको प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं, जैसे ये लिखा एक लिखा है ये सोलह लिखा है, तो अगर सोलह लिखेंगे चार तो प्लस माइनस चार, ठीक है कड़ी में लिखा है छत्तीस तो लिखेंगे क्या प्लस माइनस छः, कड़ में लिखा है कड़ी में लिखा है इक्यासी तो आप लिखेंगे प्लस माइनस नौ, ये मैंने पहली वाली क्लास में बताया हूँ कि ऐसे करते हैं, ठीक है चलिए अब आगे चलने अगर हम बात करें अगर आपकी, तो यहाँ से सीधे क्या आ गया मेरा टी स्क्वायर माइनस पंद्रह है, तो टी बारह क्या आ जाएगा कौड़ी में प्लस माइनस पंद्रह, कौड़ी में प्लस माइनस पंद्रह, अब कौड़ी में जब प्लस माइनस पंद्रह आ गया तो आप क्या करेंगे एक गुम्बल आपका आ गया कौड़ी में पंद्रह और एक गुम्बल आ गया माइनस कौड़ी में पंद्रह है ना, ये तो मिलेगा, ये तो मिलेगा, बस अब इसको आप चेक कर लीजिएगा टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, टी स्क्वायर माइनस पंद्रह आप ऐसे लिख सकते हैं ना टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, ठीक है तो यहाँ से दो मूल आ गए सीधे सीधे दो मूल आ गए, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कटेंगे तो छोड़ेंगे तो क्या आएगा जोड़ेंगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा है ना क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से आ गया एक कौड़ी में पंद्रह और आ गया माइनस कौड़ी में पंद्रह है ना, तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा जीरो, गुणा करेंगे आ जाएगा सीधे पंद्रह आ जाएगा माइनस पंद्रह, ठीक है क्योंकि प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस पंद्रह, और चेक भी कर लेंगे नहीं आएगा आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा 9807578765 पे, ठीक है ओके बहुत आसान है, ठीक है आगे चलते हैं आपको हिंट देकर छोड़ देते हैं आगे वाला सवाल, अगला सवाल ये है कि तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार, तो गुणा कर देंगे चार तीन बारह तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन एक्स माइनस चार, चार में से तीन जाएगा एक बच जाएगा और चार तीन बारह भी हो जाएगा, ठीक है यहाँ से कॉमन मिल सकते हैं कॉमन क्या मिलेगा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा यस कॉमन मिलेगा यस कॉमन करेंगे हो जाएगा तीन एक्स माइनस चार प्लस वन कॉमन करेंगे तो हो जाएगा तीन एक्स माइनस चार, ठीक चलिए तो यहाँ से कॉमन आपको मिल जाएगा कॉमन तीन एक्स बराबर चार और एक्स बराबर चार बटे तीन और यहाँ से मिल जाएगा तीन एक्स बराबर चार तो एक्स बराबर चार बटे तीन, हल कर लीजिएगा आप लोग है ना बहुत आसान है नहीं अगर फिर हमसे करेगा अगर सारे साल मैं ही कर दूंगा तो आपका भी तो फर्ज बनता है कुछ हल करने के लिए ना, तो लगाइए नहीं आता है तो आप तुरंत हमको मैसेज करिएगा, ठीक है ना पहली बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ अपने जो है कि नहीं तो मैं सारे सारे साल करूँगा आपका जो है कि मतलब पूरा पूरा हल को मेरा तो टाइम बढ़ेगा आप देखेंगे लेकिन बेहतर है कि आप कम से कम आप भी तो कुछ हल करिए है ना, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल बहुत आसान है बहुपद बनाना आपको पहना बहुपद बनाना जैसे जैसे मैं सवाल दिया था मैंने ये सवाल दिया था जैसे ये कोई द्विघात समीकरण है क्या कोई द्विघात समीकरण है
तो द्विघात समीकरण को जब हल कर रहे थे हम, जैसे ये 4x² है, ये 4x² प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0 है, इसको हल करते समय मेरे मान निकल गए 3, 4। अगर मेरा मान निकल गया क्या 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 अगर मान निकल जा रहा है, 3 और 4 निकल जा रहा है, तो क्या करेंगे आप? सीधे सीधे बात है, आप शून्यांक निकल गया, अगर शून्यांक निकल जाता है तो आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, ये इसमें बताना है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, समझ नहीं आई मेरी बात, समझिए। जैसे 4x² प्लस 4x प्लस 2, आप इसको हल करते गए और x के मान आ गए क्या 3 और 4, x के मान क्या आ गए 3 और 4। अगर x के मान 3 और 4 आ गए तो यहाँ से अब मान लीजिए ये आपका शून्यांक निकल गया, अगर ये मिटा दूँ मैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या था, यानी शून्यांक दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करके ये आपको बताना है। यही वाला इसमें है, देखिए ये आपका योगफल दिया है, क्या दिया है योगफल। अब इस योगफल का मतलब ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा, ये क्या अल्फा इंटू बीटा, और क्या अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या अल्फा प्लस बीटा, ये क्या अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपको दे दिया है, क्या दे दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि योगफल दे दिया और गुणनफल दे दिया। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा, मैं लिखता हूँ सूत्र, सूत्रवा देखिएगा, सूत्र ये होता है x² माइनस मूलों का क्या योगफल इंटू x प्लस गुणनफल, सीधे ले लेंगे तो मूलों का आप देख सकते हैं कि x² माइनस मूलों का योगफल पहले में कितना दिया है 1/4, और x प्लस गुणनफल कितना दिया है -1, तो जगह -1। आप इसको हल कर लेंगे x² माइनस 1/4x - 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको चाहे तो बटा एक कर देंगे, तो जगह लस इसका लेंगे तो लस क्या जगह 4, तो जगह 4x² माइनस क्या जगह 1 - 4 बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ जगह 4x² माइनस 1 - 4 बराबर 0, ये x है, ठीक है। तो गलती आएगा क्या, 4 चौके 16 जो भी आएगा गुणा करके हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आपको लगाना है, मान लीजिए ऐसे ही अगर आपका अगर ये दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल का मतलब ये कि कड़ी में 2 दिया है, x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है कड़ी में 2, और ये x गुणनफल कितना दिया है 1/3, ये आपका हो गया आंसर। आप इसको हल भी कर सकते हैं। अगला सवाल दिया है x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है 0, मूलों का योगफल कितना दिया है 0, x प्लस गुणनफल कितना है कड़ी में 5, देखिए द्विघात समीकरण बन गया। अगला सवाल है 1 और 1 है, तो x² माइनस 1x प्लस एक जगह 1, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको अगला सवाल दिया है, क्या दिया 1/4 x, तो ऐसे लगाते चले जाएंगे ना, क्या है x² माइनस दिया है, अब प्लस माइनस 1/4 इंटू x प्लस क्या 1/4, है ना, ये द्विघात समीकरण बन गया। अगला द्विघात समीकरण बनना है x² माइनस मूलों का क्या योगफल, मूलों का योगफल है तो मूलों का योगफल क्या आ जाएगा मेरा, मूलों का योगफल मेरा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x² माइनस मूलों का योगफल कितना है 4 है, गुणनफल कितना है 1 है, हो गया। आप पहले x की जगह योगफल और इसकी जगह गुणनफल, इसकी जगह योगफल उसकी जगह गुणनफल करते जाएंगे, आराम से हो जाएगा, सीधे सीधे मेरी बात है। अगर आपको सामने आ गया हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।